तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से लगातार हालात बदतर होते जा रहे हैं। मलबे के ढेर बिखरे पड़े हैं और चारों तरफ चीख पुकार और मातम है। दोनों देशों में अब तक मरने वालों की तादाद 24,680 हो गई है, वहीं 85,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मलबा हटाने का काम अब तक भी जारी है, मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। तुर्की और सीरिया में शव को दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। अस्थायी कब्रिस्तान बनाकर उन्हें दफनाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। हड्डियां गला देने वाली ठंड के बीच तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावितों को रेस्क्यू करने का काम जारी है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 24,680 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस आपदा में 85,000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। तुर्की में 20,213 लोगों की जान जा चुकी है और 80,000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इन दिनों तुर्की और सीरिया में हड्डियां गला देने वाली ठंड पड़ रही है और इसी बीच भूकंप प्रभावित को रेस्क्यू करने का काम जारी है। जैसे जैसे इमारतों का मलबा हटाया जा रहा है, मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। मृतकों का आंकड़ा 24,000 को पार कर चुका है। यह संख्या थमने वाली है क्योंकि लगातार मलबे से शव निकाले जा रहे हैं। विनाशकारी भूकंप से जूझ रहे तुर्की और सीरिया के मदद के लिए कई देश आगे आए हैं। भारत की भी मेडिकल और एनडीआरएफ की टीम तुर्की पहुंच गई है। भारत के अलावा कई देशों ने मदद भेजी है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने तुर्की को $1.78 बिलियन देने का ऐलान किया है। अमेरिका ने तुर्की और सीरिया की मदद के लिए $85 मिलियन की सहायता की घोषणा की है।